Starting with very first question, and the first question is वायु है एक. आपको बताना है वायु है एक, इसका क्या आंसर होगा. तो इसका आंसर है वायु एक मिश्रण है, ये गैसेस मिश्रण होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन चांदी मिश्र धातु है डैश का. आपको बताना है जर्मन चांदी किसका मिश्र धातु है. इसका आंसर है जस्ता कॉपर निकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेंडम क्या है डैश. आपको बताना है कार्बोरेंडम क्या है. तो इसका आंसर है कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड. तो इसका आंसर सिलिकॉन कार्बाइड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर. आपको बताना है मानव ने सबसे पहले कौन सा सिंथेटिक फाइबर बनाया. तो इसका आंसर है नायलॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है. आपको बताना है स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है. इसका आंसर आयरन क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का है डैश. आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल क्या है. तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का संतृप्त फैटी एसिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है. तो आपको बताना है कि ये बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है. तो इसका आंसर है परमाणु विखंडन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का सूत्र है डैश. आपको बताना है कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर Na2CO3. कास्टिक सोडा का सूत्र Na2CO3. नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस है डैश. आपको बताना है आग बुझाने वाली गैस कौन सी है. तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है. आपको बताना है ये किस धातु से बना होता है. तो इसका आंसर है टंगस्टन से. टंगस्टन धातु से बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई वाले सोडे का नाम डैश है. धुलाई वाले सोडे का क्या नाम है ये बताना है. तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट एस्क है डैश. आपको बताना है मोनेजाइट किस धातु का एस्क है. तो मोनेजाइट थोरियम का एस्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है डैश का. दूध किसका उदाहरण है आपको बताना है. तो दूध जो है वो पायस का उदाहरण है. इसका आंसर पायस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है. पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है ये आपको बताना है. तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं डैश में. तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, वो बदलते हैं इसका आंसर है अमीनो अम्ल में. अमीनो एसिड में बदल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान दिवस मनाया जाता है डैश को. तो विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है. तो इसका आंसर है 28 फरवरी को मनाया जाता है डॉक्टर सी वी रमन की याद में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है. आपको बताना है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है. तो इसका आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है. मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है. तो इसका आंसर है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विज्ञान का अध्ययन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग के जीवाणु का नाम डैश है. तो आपको बताना है टिटनेस रोग के जीवाणु का क्या नाम है. तो इसका नाम है
क्लोरिस्टिडियम टिटैनी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.